बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 18। टुडे वी हैव अ न्यू लेक्चर, अ न्यू लेसन विद अस, दैट इज अरेबिया द क्रेडल ऑफ इस्लाम, द हिस्ट्री ऑफ अरब्स एंड हाउ अल्लाह सुब्हान व तआला हैज चोजन दिस प्लेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लेस इन व्हिच अल्लाह सुब्हान व तआला लास्टेड हिज लास्ट एंड एवरलास्टिंग रिलीजन। इन दिस lesson we will discuss these following important points: number 1, the introduction of Arabs, history of Arabs, vegetation over there, political divisions of Arab, the ecology of Arabia, the political condition before Islam, the economic condition, social condition, educational condition and the religious condition of Arabs. So first of all we will discuss the introduction of Arabs. Arab वो लोग थे जिनमें अल्लाह ताला ने अपना आखिरी मज़हब, अपना आखिरी दीन और वो पैगाम जिसको दुनिया में हमेशा के लिए कायम रहना था, अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इस जगह को चुना और इस जगह पर ये इस जगह को के इंतखाब के बाद अल्लाह ताला ने अपना आखिरी मज़हब यहाँ पर भेजा। Arabia Peninsula is not only the cradle of Islam and Islam was not only born in it but it was the place in which Islam was grew and fully grown and till it reaches on its peaks. Arabia was not only the place which have some important characteristics in itself but the characteristics of land have a great impact on the personalities of the people living over there. In this article we will discuss the different salient characteristics of this land and what were the attributes of the people living over there, what was the history of Bedouins, the people who are known as Badu, the natives of Arabia, and likewise we will discuss the different important conditions of the people who are living in that place. So first of all we will discuss a short synopsis of the history of Arabs. Arabia, like any other region, has the kind of terrain that molds and modifies those people who live in it and move through it. This is a place which have a very great impact on the personalities of people who are living over there or who are moving through it. Wo log jo Arab mein reh rahe the या वो लोग जो इसके ज़रिए इसके रास्ते के ज़रिए सफ़र करने के आदि थे, उनकी ज़ात और उनकी पर्सनैलिटी पर इस जगह का एक ख़ास असर था। इट्स अ स्टर्न, ग्रिम एंड इन अ वेरी हॉस्पिटेबल लैंड। ये बंजर सहरा नखलिस्तान पर मुश्तमिल ज़मीन अपने अंदर बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की खसूसियात लिए हुए है एंड द पीपल हु आर लिविंग इन दिस लैंड दे हैव ऑल्सो अ वेरी टफ एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट सिस्टम ऑफ लिविंग एंड लाइकवाइज the system in which they are going to observe their religious and social and economic life, that is also very tough. And if we talk about the land of this place, we will say that contrary to the popular notions, Arabia is not only a wilderness of sand but it is a considerable variety इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स सर्फिस, कि ये सिर्फ एक
सहरा और नखलिस्तान की खसूसियात नहीं रखता, बल्कि इसकी ज़मीन में कुछ ऐसे ख़ास औसाफ या कुछ ऐसी खूबियाँ भी पाई जाती हैं जो इसे दुनिया की बाकी इलाकों से या बाकी जगहों से मुख्तलिफ साबित करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लैंड इज दैट इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रॉलिंग सैंड। दिस इज द लैंड ऑफ हॉट एंड ब्रॉलिंग सैंड। ये तपते सहरा और तपती रेत की सरजमीन है, मोव माउंटेन्स, एंड इट हैज़ लाइट पर्पल माउंटेन्स। द कलर ऑफ इस माउंटेन इज लाइट पर्पल। द जैग ग्लचेज एंड द ग्लचेज ऑफ दिस लैंड इज रफ। लाइकवाइज इट हैज पीक्स स्पाइकिंग एंड कॉपर स्काई। द स्काई ओवर देयर और द कलर ऑफ स्काई इज नोन ओवर देयर दैट इज अ कॉपर स्काई, एंड इट हैज अ वेरी फैंटास्टिक एंड अ वेरी ब्यूटिफुल कलर। फ्राइबल रॉक्स एंड फ्लिंटी प्लेन्स। लाइकवाइज इट हैज अ सरप्राइजिंग ज्योमेट्रिकल शेप and constantly shifting sand dunes and oases, and it has different kinds of lakes, streams and gardens. In fact, the greenery is unknown except the shrubs and the plants which grew by their own self. असल में यहाँ ये एक ऐसा इलाका है, ये सहरा और नखलिस्तान के नाम से मशहूर है, और यहाँ पर कुदरती नबातात न होने के मुकाबले में मौजूद है। लेकिन असल जो चीज़ जो खुद ऐसी सब ऐसे फल और ऐसे प्लांट्स और ऐसे पौधे जो खुद ही उगने के या खुद रो उगने की सलाहियत रखते हैं, वो प्लांट्स इस एरिया में मौजूद हैं। अरेबिया इज द वर्ल्ड्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लैंड इज दैट इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड, एंड द अरब्स से इट द अरेबियन पेनिनसुला, जजीरतुल अरब। अरब खुद इसको जजीरतुल अरब के नाम से याद करते हैं, एंड जजीरा इज प्लेस विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। सो इट इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय द पर्शियन गल्फ, मशरक में पर्शियन गल्फ है, एंड ऑन द साउथ बाय द अरेबियन सी। इसके जनूब में बहरे अरब है, एंड ऑन द वेस्ट बाय द रेड सी, और इसके मगरब में रेड सी बहरे अहमर है, एंड इट इज़ बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द ग्रेट सैंड सी ऑफ द सीरियन डेजर्ट, और इसके शुमाल में सहराए सीना या सीरियन डेजर्ट जो है वो मौजूद है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड जज़ीरतुल अरब वी कम टू नो दैट दिस लैंड इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स विद वाटर, एंड वन साइड इज लेफ्ट दैट इज फॉर द सीरियन डेजर्ट। एंड इन कन्फिग्रेशन अरेबिया इज अ वास्ट प्लेटो राइजिंग जेंटली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये आहिस्तगी से के आहिस्तगी के साथ ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मशरक से मगरब की तरफ बुलंद होता है, एक्सेप्ट फॉर यमन एंड द वैलीज इंटरसेप्टेड इन द वेस्ट वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। द होल कंट्री इज सैंडी और रॉकी एंड ड्राई एंड बैरन। और वेस्टर्न माउंटेन्स की एक बहुत बड़ी रेंज इसके साथ मौजूद है, एंड द होल कंट्री तमाम जो मुल्क है दैट इज़ सैंडी और रॉकी, या तो उसमें रेत है मौजूद है या फिर उसमें पहाड़ मौजूद हैं। और इसके अलावा इसके एक दूसरी जो अहम खसूसियत है इस ज़मीन की वो ये है कि दैट इज़ ड्राई और बैरन, या तो वो खुश्क है या फिर बंजर है। These are about the history or the geographical situation of the Arabs and the political divisions, and this is about the history of the
land or the history of that place in which the last religion came. History of Arabs is very vast, and they have some salient characteristics of their personality. Maslan, they were the people who were very hospitable. ये वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे. इसके अलावा इनकी एक औसाफ ये भी था कि ये लोग अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जाते थे, और अल्लाह ताला ने जहानत, फितानत और हाफ़ज़े की बहुत बड़ी बड़ी खसूसियात इनको अता कर रखी थी, और इनकी यही वो खसूसियत थी जिसकी बिना पर कुरान को याद करने और कुरान फहमी में इनको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने सहूलत और आसानी अता फरमाई. प्री इस्लामिक पोइट्री पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि अरब अपनी जहानत और फितानत और अपनी हाफ़ज़े के एतबार से बहुत ज़्यादा आला तरीन कौम समझी जाती थी, और इन्होंने न सिर्फ इंसानों की अक्वाम बल्कि जानवर, हत्ता कि ये मशहूर है इनकी तारीख में कि जानवरों, ऊँटों और घोड़ों की कई नस्लों के नाम इन्हें याद हुआ करते थे. और ये सिलसिला सिर्फ जानवरों तक महदूद नहीं था बल्कि इनकी बहुत सारी जेनरेशन्स ऐसी थी, और बहुत सारे लोग इनकी जेनरेशन में, इनकी नस्ल में ऐसे भी थे जिसको अपनी 50 पुश्तें या 50 से ज़्यादा पुश्तें याद होती. और यही वजह है कि शायरी का अंदाज बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ था, और शायरी में अपने ज़ाती औसाफ को बयान करना एक ख़ास हुनर था. और शायरी में ये लोग न सिर्फ अपने ज़ाती औसाफ को बल्कि जंगों और मुख्तलिफ किस्म के वाकयात के लिए भी ये लोग शायरी को इस्तेमाल करते थे, और इसी शायरी के ज़रिए इन्होंने एक बहुत बड़ी तारीख जो है वो मुंतकिल की उन लोगों तक जो आज उनको नहीं जानते. और सबसे बड़ी इनकी ज़ाती औसाफ में ये चीज़ थी कि देवर द लवर्स ऑफ फ्रीडम एंड लाइक वाइज देवर द डेयरिंग पीपल. ये बहुत जुरतमंद और हौसला अफजा लोग थे, एंड द ट्राइबल फिडेलिटी वॉज वेरी कॉमन ओवर देयर. अपने कबीले पर फ़ख्र और गुरूर करना और कबीले की असबियत या कबायली तासुब जो था वो इनके अंदर बहुत हद तक मौजूद था. लाइक वाइज एन अदर कैरेक्टरिस्टिक विच वॉज वेरी कॉमन इन दैम, दैट वॉज द जेनरोसिटी. ये बहुत सखी लोग थे, और यही वजह है कि मेहमान नवाजी को बहुत पसंद करते थे और मेहमान नवाज लोग थे. एंड साइड बाई साइड विद द मोस्ट हॉस्पिटेबल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू अ गेस्ट, इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस टू रॉब अ वेफेयरर. अगरचे इनके अंदर बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी मौजूद थी, लेकिन इसके साथ साथ इनकी ज़ात में ऐसे औसाफ भी थे कि ये लोग हर वो शख्स जो सफ़र कर रहा होता और उनकी उसको जानने पर जानते पहचानते नहीं थे, या वो किसी दूर के इलाके से आया तो उसको उसकी चोरी कर लेना या उसको लूट लेना इनकी आदत थी. और ये ट्राइबल पेट्रोटिज्म या कबायली मोहब्बत, ये वो चीज़ें थी जो इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी. चुनाचे यही वजह है कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि दो कबीलों की किसी छोटी सी बात पर जंग हो जाने के बायस ये लड़ाई नस्ल दर नस्ल और 40 साल और 50 साल तक चलती रहती सिर्फ किसी छोटी सी रंजिश की वजह से और किसी छोटी सी लड़ाई की वजह से. इसके अलावा अरब्स का एक इनकी हिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज़ द वर्शिप ऑफ आइडल्स और द अरब्स आइडोलेट्री. अरब्स बुत परस्त थे और
इस्लाम ये बताता है कि इस्लाम के आने से पहले 360 बुत ऐसे थे जो इन्होंने खाना काबा में नस्ब कर रखे थे, और बुतों की पूजा सिर्फ एक वाहिद मजहब नहीं था, इसके अलावा 7 मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब इन लोगों में मौजूद थे, और ये लोग हर वो चीज और हर वो बुत जिसको ये तराशते थे उसकी इबादत करते थे। और ये सिर्फ बुतों की पूजा नहीं करते थे बल्कि चांद, सितारे, आग, मुख्तलिफ किस्म के जो नेक लोगों के इमेजेस या तस्वीरें इन्होंने बना रखी थी उसको, और हत्ता के एंजल्स को भी पूजते थे, उनकी भी इबादत की जाती थी। और बुत परस्ती के अलावा, शिर्क के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके कल्चर में बहुत कॉमन थी। मसलन जब ये लोग सफर पर जाते तो इनके यहाँ एक आम रवाज था कि सफर पर जाने से पहले हर इंसान अपने पास 3 पत्थर रख लेता, और एक पत्थर का मकसद उससे सफर से खुशकिस्मती हासिल करना, और एक पत्थर का मकसद आग जलाना, और एक पत्थर का मकसद उसकी इबादत करना होता। चुनाचे आइडल वर्शिप इनके अंदर इतनी ज्यादा मौजूद थी कि हर कौम और हर कबीले ने अपना खुदा बना रखा था, और ये काम सिर्फ खुदा और कबीले तक महदूद नहीं था बल्कि हर मकसद के लिए इन्होंने अलग खुद अलग बुत बना रखे थे। और अल्लाह ताला से या खुदा से फेवर हासिल करने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे सितारे, चांद और सूरज, इसकी भी पूजा किया करते थे। और बुतों की पूजा इतना आम, इतनी इनकी इतनी आम आदत समझी जाती थी, यहाँ तक कि ये इनकी आदतें सानिया बन चुकी थी और इनके खून में रच बस चुकी थी। इसके अलावा इनकी सोशल लाइफ में औरतों को कोई मुकाम हासिल नहीं था, पॉलिटिकल लाइफ में ये किसी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर को तस्लीम करने वाले नहीं थे, किसी किस्म के गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, जस्ट लॉ लेसनेस का जो सिस्टम था वो इनके यहाँ लागू था। और इनके अंदर कोई यूनिटी, इत्तहाद और इत्तफाक मौजूद ना था, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके दरमियान भेजा, और अल्लाह ताला ने अपना आखिरी मजहब इन लोगों को दरमियान भेजा जो किसी किस्म की गवर्नमेंट और किसी किस्म की ऑर्गेनाइज सिस्टम को जानने वाले नहीं थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक दीन पर, एक कलमा हक पर और एक रसूल की अतात पर इकट्ठा किया और आखिरी पैगाम इन तक पहुंचाया, और यहाँ तक कि इनके अंदर ऐसे औसाफ पैदा कर दिए कि ये लोग जो खुद इखलाकी, समाजी और मुआशरती तौर पर बहुत गिरे हुए थे, दूसरे लोगों को दीन का पैगाम पहुंचाने वाले और दूसरे लोगों तक दीन के पैगाम की तबलीग करने वाले बन गए। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ अरब्स। अरेबियन पेनिनसुला अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ 1992 की पॉलिटिकल डिवीजन के तहत अरेबियन पेनिनसुला में दर्ज ज़ैल रियासतें शामिल हैं। नंबर 1, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, द रिपब्लिक ऑफ यमन, द सल्तनत ऑफ ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द स्टेट ऑफ कतर, द स्टेट ऑफ बहरीन एंड द स्टेट ऑफ कुवैत। ये 7 पॉलिटिकल डिविजन्स अरेबियन लैंड या अरेबियन पेनिनसुला में शामिल हैं, यानी अरेबियन पेनिनसुला, जज़ीरतुल अरब, इन 7 ममालिक में, ममालिक पर मुश्तमिल रियासत है। वेजिटेशन। वेजिटेशन इज जनरली वेरी स्पार्स ड्यू टू द लैक ऑफ रेन एंड ड्यू टू द हाई सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सोयल। असल में वेजिटेशन या हरियाली या सब्जा या
ये तमाम जो चीजें हैं ये यहाँ पर ना होने के बराबर हैं, बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। इसकी वजह ये है कि इसकी ज़मीन में जो जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, ज़मीन में नमक मौजूद है, और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेन्स। दूसरा ये दूसरी वजह ये है कि चूंकि यहाँ बारिशें नहीं होती इसलिए ये चीज़ें नहीं हैं। टू ट्रीज आर रेयर एंड द श्रब्स आर कॉमन। जो असल दरख्त हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन सब्जा और ऐसी चीज़ें या फिर झाड़ियाँ जो खुद रो होती हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। ऑल प्लांट्स हैव हैड टू अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट्स एग्जिस्टेंस। और वो तमाम प्लांट्स जो यहाँ मौजूद हैं उनको ऐसी खसूसियात अपनानी पड़ती हैं जो इस सहराई ज़मीन की हैं। सबसे मशहूर चीज दैट इज डेट पाम। इट ग्रोज वेयर एवर देयर इज वाटर। खजूर का दरख्त हर उस जगह पर उग जाता है इस इलाके में जहाँ उसको पानी मुयसर आता है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्टिवेटेड ट्री इन द होल पेनिनसुला एंड डेट फ्रूट इज द स्टेपल ऑफ मैनी अरब्स एंड द ट्री सप्लाइज वैल्यूएबल वुड एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स। द प्रिंसिपल सीरियल्स ऑफ अरेबिया आर वीट, बारले, ओट्स, मेज एंड मिलेट। कॉफी ग्रोज इन यमन एंड कॉटन ग्रोज इन वेरिंग क्वान्टिटीज इन यमन एंड ओमान। द मैंगो फ्रूट हैज़ बीन सक्सेसफुली कल्टिवेटेड एंड द ओसिस ऑफ अल हसा प्रोविंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द कोकोनट पाम ग्रोज इन ओमान। सच फॉरेस्ट अरेबिया हैज आर अ फ्यू क्लस्टर्स ऑफ जूनिपर्स इन द हाईलैंड्स ऑफ यमन। These are about the different vegetations or the different foods which are existent in existence, which have existence or which are existing in the Arabian Peninsula. Now, the ecology of Arabia. The most important component of the ecology of Arabia is the water. The most important thing on which the ecology of Arabia depends, that is the water. Wherever there is water, the people of Makkah or the people of this land were used to live over there, and they were used to change their places and they were used to migrate just because of this water. Where they see their water, they develop their residence over there, and the presence and absence of this water shaped the history of this nation. And the settlers were attracted to the site of Makkah in Hijaz by the presence of this Zamzam, and assured by the availability of its tart waters in all the seasons, they built the city of Makkah around it. और चूंकि जमजम में पानी की मौजूदगी पूरा साल रहती है इसलिए उन्होंने इसके गिर्द मक्का शहर को तामीर किया। The hydrosphere of this region consists of wells, torrents and flash floods. अगर हम दरियाओं समंदरों की बात करें तो अरब में सहरा होने की वजह से कुदरती पानी के ज़खायर न होने के बराबर हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के पानी ही को, अगरचे बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है लेकिन जो बारिश का पानी होता है उसको मुख्तलिफ जगहों पर ये लोग स्टोर करते हैं और उसी के जरिए अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। द होल एरिया इज डिवाइड ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 60 माइल लॉन्ग हजर इन द रिपब्लिक ऑफ यमन। बट इवन दिस इज नॉट अ मेन स्ट्रीम, इट बिकम्स अ स्ट्रीम only when torrential rains falls in its basin. ये सिर्फ एक स्ट्रीम या एक पानी का ज़खीरा जो अल हजर के नाम से मशहूर है, ये बहुत कॉमन है पानी के ज़खीरे के तौर पर, लेकिन ये भी पानी का ज़खीरा उस वक़्त बनता है जब मुख्तलिफ किस्म के
बारिशें होती हैं और बारिशों के जरिए पानी इसमें जमा होता है, इसमें इसके बेसिन में जखीरा होता है, तब ये एक मेन स्ट्रीम के तौर पर काम आती है। अ न्यू एंड कम्प्लेक्स फैक्टर ऑफ ट्रिमेंडस जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इज द प्रेजेंस ऑफ वास्ट रिजर्वायर्स ऑफ ऑयल। वो चीज़ जिसने इनकी तारीख पर सबसे अहम नक्श छोड़ा है और इनकी तारीख पर सबसे ज्यादा असर अंदाज हुआ है, वो है तेल के ज़खायर। In 1900, the whole peninsula was thinly populated and was destitute, poverty-stricken, and isolated. It was one of the few regions in the world almost untouched by the Western influence, and then came oil and everything changed. Life in Saudi Arabia and in the other oil-producing sheikhdoms, as in the Persian Gulf, was transformed by the effects of the new wealth, spectacular fortunes, rapid economic development, the arrival of foreign labor, international clout, and perhaps more radically than life has been transformed. वो चीज़ जिसने अरब की तारीख और अरब की हिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा अहम किरदार छोड़ा है वो तेल के वो ज़खायर हैं जो 19th century में डिस्कवर किए गए। और जब इससे पहले ये इलाका दुनिया का वो इलाका समझा जाता था जो मगरबी असरात से पाक था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पानी और ऑयल के ज़खायर का इल्म हुआ और ज़खायर मालूम हुए, उसके बाद इस जगह ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस लैंड इज कैमल। द अरेबियन कैमल इज द सिंगल ऑफ हम्ड वैरायटी एंड ड्रोमेडरी। दिस इज अ काइंड ऑफ कैमल। दे आर एज अगेंस्ट द टू हम्ड कैमल्स ऑफ सेंट्रल एशिया। द ड्रोमेडरी हैज फ्लैट ब्रॉड thick soiled cloven hoofs and do not sink into the sand, and it can travel long distances in the desert. The milk of the camel formed an important part of the diet of the desert Arabian desert, and the camel hair was used by them to make their tents. और अरब बदू जो हैं उनका सबसे बड़ा पेशा यही था कि वो चरावाहे के तौर पे काम करते थे, और वो दूध जो वो इन जानवरों से हासिल करते थे उसके ज़रिए मुख्तलिफ किस्म के कारोबार किया करते थे। एंड द नेटिव्स ऑफ दिस लैंड हु आर नोन एज बदूंस, दे डोंट हैव एनी सिस्टम ऑफ ट्रेड और द बिजनेस ओवर देयर। The camel therefore was indispensable for survival in the desert. और ऊंट चूंकि सहराई खसूसियात अपने अंदर रखता था, इसलिए उसके लिए सहरा में जिंदा रहना और सहरा में बाकी रहना बहुत ज्यादा आम बात समझी जाती है। Now we'll discuss the political condition before Islam, the political conditions of Arabs before Islam. As all of us know that the system of a government or the system of an organization was unknown in the Arabian Peninsula. Only the system which was known in the Arabian Peninsula, that was the system of lawlessness, बेहंगम जिंदगी, कवानीन जवाबित की खिलाफ वर्जी वहां का कानून था। एंड द ओनली थिंग विच वॉज ऑब्जर्व दैट वॉज द ट्राइबल सिस्टम ओवर देयर। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द पोलिटिकल लाइफ ऑफ अरेबिया बिफोर इस्लाम वॉज द टोटल एबसेंस ऑफ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन एनी फॉर्म। With the exception of Yemen in the southwest, no part of the Arabian Peninsula had any government at any time. They were not used to observe any government system in any time of their history.
and the Arabs never acknowledged any authority over themselves. Just the system of tribes, the tribal system was very much organized, and they follow, and they were the followers of, and they were the habitual of this tribal system over there. And the tribal authority was considered the whole authority. The Arabs lived generation after generation and centuries after centuries without a proper government system. Since there was no government system, the system of law and order was unknown over there. And the only law of the land was the lawlessness. In the event a crime was committed, the injured party took law in its own hands and tried to administer justice to the offender. And this system led very frequently to acts of horrendous cruelty. जब दो कबीलों की आपस में जंग हो जाती या एक कबीला किसी दूसरे कबीले के साथ कोई ज्यादती करता तो वो दूसरा कबीला उससे बदला लेने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लेता और यही वो निज़ाम था, यही वो सिस्टम था जिसकी वजह से बहुत जालिमाना किस्म के जराइम और जालिमाना किस्म के कवानीन उनके यहाँ मौजूद थे. द अरब्स एवर एक्सरसाइज्ड एनी रिस्ट्रेंट, दे द वेडांटा कंज्यूम्ड होल जेनरेशन ऑफ अरब्स. The Vedanta consumed the whole generation of Arabs, and since there were no such things as police, courts and judges, the only protection a man could find from him that was the system of tribe was there. The tribe had an obligation to protect its members even if they had committed crimes. And tribalism or the asabiya took precedence over ethics. Asabiya jo thi usne logon ki akhlaqiyat par kabu ya qabza kiya hua tha aur sirf wahi qanoon aur wahi zabta अमल में लाया जाता था जिस पर किसी कोई कबीला अमल करने वाला होता. एंड एथिक्स ऑफ कोर्स नोवेयर वाज फाउंड, और अखलाकियात का कहीं कोई तसव्वुर नहीं था. अगरचे इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर जाती औसाफ जाती काबिलियत नहीं थी, अगरचे उनके अंदर जाती औसाफ ऐसे थे जो उनको बाकी लोगों से मुख्तलिफ साबित करते, लेकिन चूंकि उनका इस्तेमाल पॉजिटिव नहीं था इसलिए एथिक्स की कोई पिक्चर उनके सोसाइटी में नज़र नहीं आती. एंड सिंस दे वर द पीपल हु वर द एनार्किस्ट्स बाय नेचर बाय इंस्टिंक्ट, सो द वॉर was a permanent institution over there. The desert could support only a limited number of people, and the state of intertribal was maintain a rigid control over the growth of population. And the Arabs themselves did not see war in the light. To them, war was a pastime, or rather a dangerous sport or a species of tribal drama. So war gave them an opportunity to display their skills of archery, fencing, horsemanship, and also in war they could distinguish themselves by their heroism and at the same time win glory and honor for their tribes. In many cases the Arab fought for the sake of fighting, whether or not there was a cause belay. और
बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ अपनी ज़ाती काबिलियत, ज़ाती औसाफ को दिखाने की खातिर किसी जंग में हिस्सा लेते, उसके पीछे कोई खास रीज़न या कोई खास वजह ना होती। दिस वॉज अबाउट द पोलिटिकल कंडीशन ऑफ अरब्स। नाउ द इकोनॉमिक कंडीशंस। अरब बदू जो नेटिव अरब्स थे वो बहुत ज़्यादा अमीर और दौलतमंद नहीं थे, और उनका मेन काम जानवरों को चराना था और यही उनका ट्रेड और बिजनेस समझा जाता था। चुनाचे वो दूध जो अपने जानवरों से हासिल करते उसको वो बेचते और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करते। इकोनॉमिकली द ज्यूज वर द लैंडर्स और द ज्यूज वर द लीडर्स ऑफ दिस प्लेस। They were the owners of the best lands in Hijaz and they were the farmers in the country and they were also the people who have such industry as existed in the Arabia in those days and they enjoyed a monopoly of the armaments industry. Yahan par rehne wale Jews sabse zyada maldar insaan samjhe jate the aur wo mukhtalif sharait और मुख्तलिफ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली लोगों को पैसा या फिर उधार दिया करते थे। एंड दे वर द ओनर्स ऑफ बेस्ट लैंड्स इन हिजाज। हिजाज में मदीना के करीब इलाके खैबर में ये लोग ज़्यादा तादाद में आबाद थे और वो इलाके जो मदीना के बेहतरीन इलाके शुमार किए जाते थे उस पर इनका कब्जा था। एंड अदर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक हैबिट और द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वॉज स्लेवरी। गुलामी इनके अंदर बहुत आम पाई जाती थी एंड मेल एंड फीमेल स्लेव्स वर सोल्ड एंड बॉट लाइक एनिमल्स। औरत और मर्द दोनों ही खरीदो फरोख्त किए जाते थे और औरत और मर्द दोनों ही जाती गुलाम के तौर पर रखे जाते थे। And they formed the most depressed class of the Arabian society. The most powerful class of the Arabs was made up by the capitalists and the money lenders. इनके सबसे मशहूर और जिस तबके को सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता था वो money lenders थे, ताजिर थे, और ये लोग पैसे का लेन देन किया करते थे। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विच दे चार्ज्ड ऑन लोन्स वर एक्सपोर्डेंट एंड वर स्पेशली डिजाइंड टू मेक देम रिचर एंड रिचर एंड द बोरोअर्स पुअर एंड पुअर। इन्होंने सूद का जो निज़ाम कायम रखा था वो ख़ास तौर पर इन्होंने इस इन टर्म्स और इन कंडीशंस में बनाया था जिसके ज़रिए ये लोग अमीर से अमीर तर होते जाएं और इनका माल ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए और वो लोग जो इनसे कर्ज और उधार लेते थे वो गरीब से गरीब तर होते जाएं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स ऑफ अरेबिया वर मक्का एंड यसरिब। अरेबियन सेंटर्स में अर्बन सेंटर्स में वो जो दही इलाके शुमार किए जाते थे मक्का और यसरिब समझे जाते थे एंड बोथ इन हिजाज। Both were in Hijaz. The citizens of Makkah were mostly merchants, traders, and money lenders. Their caravans traveled in summer to Syria and in winter to Yemen. इनके काफिले गर्मियों में सीरिया यानी शाम और सर्दियों में यमन की तरफ ट्रेवल करते थे। And they would travel to Bahrain in the east and to Iraq in the north east. And the caravans trade was basic to the economy of Makkah. काफलों के ज़रिए जो तिजारत की जाती मक्का की इकॉनमी में बुनियादी किरदार इन्हीं कारवांस का था। And its organization called for considerable skill, experience and ability. This was all about the economic conditions or the economic system of the Arabs before Islam. इसके बाद हम पढ़ेंगे the social condition of Arabs.
Arabia was a male dominated society and women had no status of any kind other than as a sex object. And the number of women a man could marry was not fixed. When a man died, his son inherited all the wives of his father except his own mother. The most oppressed class of this land was the women, and she was the person who have no rights and who have the no rights in any kind relating to her personality. And a savage system of the Arabs was to bury their female infants alive. Even if an Arab did not wish to bury his daughter alive, he still had to uphold this honorable tradition. और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि कोई शख्स अपनी बेटी को या फीमेल इन्फेंट को दफनाना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ इस ऑनरेबल, जो उनकी नज़र में नाम निहाद ऑनरेबल कस्टम या ऑनरेबल ट्रेडिशन समझा जाता था, सिर्फ उसको पूरा करने के लिए उसको अपनी बच्ची को दफन करना पड़ता. What is the cause? The cause was that he was unable to resist against the social pressure. और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो social pressure जो उसके ऊपर लागू था उसके खिलाफ resist नहीं कर सकता था. And a very common vice of Arabs was drunkenness. शराब नोशी उनकी एक बहुत common और आम आदत समझी जाती थी. With drunkenness went their gambling. और इसी के साथ एक और चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा असर था उनकी शख्सियत पर, that was the gambling, जुआ. And they were compulsive drunkards and compulsive gamblers. ये बहुत शदीद किस्म के शराब नोश और शदीद किस्म की जुआबाजी की लत में लुथड़े हुए लोग थे. इसके बाद हम पढ़ेंगे एजुकेशनल कंडीशंस. अमंग द अरब्स देयर वर एक्सट्रीमली फ्यू इंडिविजुअल्स हु कुड रीड एंड राइट. मोस्ट ऑफ देम वर नॉट वेरी ईगर टू लर्न दीज आर्ट्स. एंड सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट द कल्चर ऑफ पीरियड वॉज ऑलमोस्ट एंटायरली ओरल. The Jews and the Christians were the custodians of such knowledge as Arabia had. The greatest intellectual accomplishment of the pagan Arabs was their poetry, which shows their wisdom, their intelligence, and their intellectual abilities. They claimed that God has bestowed the best qualities of head upon them, and their greatest pride, both before Islam, was that they have given very interesting and unequal abilities of intellect, and this was a very common, and this was very shown beautifully in their poetry. And in nomad Arabs, the poets were part of the war equipment of the tribe, and they defended their own and damaged hostile tribes by the employment of a force which was supposed indeed to work mysteriously, but which in fact consisted in composing phrases of a sort that would attract notice and would consequently be diffused and remembered widely. But there were some characteristics in their personality which were very common and which were very interesting regarding their personalities.
एंड इन लास्ट वी विल डिस्कस द रिलीजियस कंडीशंस ऑफ अरब्स और द एग्जिस्टिंग रिलीजन्स इन अरब्स बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम. द पीरियड इन द अरबियन हिस्ट्री विच प्रिसीडेड द बर्थ ऑफ इस्लाम इज नोन एज द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस. वो वक्त जो अरब ने इस्लाम के आने से पहले गुजारा वो दौरे जाहिलियत के नाम से मशहूर है. दौरे जाहिलियत से मुराद ये भी है कि वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इस जाहिलियत से मुराद उनकी अखलाकी, उनकी समाजी और मजहबी इकदार से दूरी है. And judging by the beliefs and the practice of the pagan Arabs, it appears that it was a most appropriate name. और अगर हम उनकी हालत, उनकी मजहबी हालत और उनकी सोशल कंडीशंस को देखें तो हमें लगता है कि this was the very appropriate name for them. And the Arabs were observing a variety of religions and which can be classified into the following categories. ये लोग मुख्तलिफ किस्म के अध्ययन और मुख्तलिफ किस्म की मजाहिब की पैरवी करने वाले थे जिनको इस कैटेगरी में डिफाइन किया जा सकता है. नंबर वन, द आइडल वर्शिपर्स. ये वो लोग थे जो असल में पैगन अरब्स कहलाते हैं या बदू कहलाते हैं, और मोस्ट ऑफ देम वर ऑफ दिस काइंड, दैट दे वर द वर्शिपर ऑफ आइडल्स. दे वर्शिप न्यूमरल आइडल्स एंड ईच ट्राइबल हैज इट्स ओन ट्राइब ऑन ट्राइबल आइडल एंड इट इज नोटवर्दी दैट दे हैव 360 आइडल्स इन खाना काबा बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम. एंड दे बिल्ड these idols out of wood, stone and different things, and they were used to say that the angels are in fact the different authorities who are controlling the different organizational or the administrative works of this universe. The second important group who were used to live in Arab, that was the atheists. This group was composed of the materialists and believed that the world was eternal. They have the faith in time. They were the worshippers of time. The third group, that is known as Zindiq. They were influenced by the Persian doctrine of dualism in nature. They believed that there were two gods representing the twin forces of good and evil, and light and darkness. They have faith in two gods, the god of good and the god of evil, and they are known as Yazdan and Ahriman. They have faith in these two gods. Then come the Sabaeans. They were the worshipper of stars. Then comes the Jews. Jews were the people who were used to say to themselves that they were the Romans destroyed the when the Roman destroyed Jerusalem in 70 AD and drove the Jews out of Palestine in Syria. Many of them found their new homes in Hejaz in Arabia. They settled over there and under their influence many Arabs also became converts to Judaism. The strong centers of these Jews were in the Khaybar, the area of Khaybar in Medina. Then comes the Christians. The Christians had converted the North Arabia tribe of Ghassan to Christianity, and some clans of Ghassan had migrated to and had settled in Hejaz.
In the south, there were many Christians in Yemen, where the creed was originally brought to the Ethiopian invaders. Their strong centers was the town of Najran. Najran के इलाके में सबसे ज़्यादा Christians आबाद थे. और आखिर में वो group या वो ग्रो who was used to call themselves the monotheists, the people who were known as the monotheists, they were the people who have faith in one God. And these were the people who were very much attract themselves towards the religion of Islam. And there was a small group of monotheists present in Arabia on the eve of the rise of Islam. Its members did not worship idols, and they were the followers of the true prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, that was Hazrat Ibrahim alayhi salam. And the members of families of Muhammad, peace be upon him, the future prophet, and Ali ibn Abi Talib, the future caliph, and most members of their clan, the Banu Hashim, belonging to this group. और वो लोग जो एक रिलीजन पर ईमान लाने वाले थे और एक खुदा को मानने वाले थे, दीज वर द पीपल हु हैव द लिंकेज विद द लाइनेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन बनी हाशिम. बनी हाशिम के ये वो लोग थे जो एक खुदा पर ईमान लाने वाले थे और एक ही दीन इब्राहिमी की पैरवी करने वाले थे. एंड दीज वर द पीपल हु वेरी अट्रैक्टिवली एंड हु accepted Islam within a very short time of period. और यही वो लोग थे जिन्होंने बहुत जल्दी इस्लाम कबूल किया. ये तो था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने जज़ीरतुल अरब की तारीख और उनकी मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात, उनकी ज़ाती औसाफ और उनकी समाजी मुआशरती मुआशी मज़हबी और समाजी हालत पर गौर किया और उनकी समाजी हालत के बारे में पढ़ा. इसके अलावा हमने उनकी मज़हबी हालत के बारे में पढ़ा कि वहाँ कौन से ऐसे मज़ाहिब थे जो इस्लाम लाने से पहले मौजूद थे. आज का लेसन अख्तिताम पज़ीर हुआ. इंशाल्लाह नई क्लास में नए सबक के साथ हाजिर होंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफिज़.